हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल अच्छे भले चंगे होंगे। तो दोस्तों, आज ले चलती हूँ मैं आदमपुर से पंजाब में जा रही हूँ मैं कोटकपूरा। तो वहाँ है मेरा मायका और हम निकल चुके हैं घर से, मैं और मेरा बेटा। हम रेलवे स्टेशन पे पहुँच कर रेलवे स्टेशन बैठे हैं, तो गाड़ी अभी आने में 5-4 मिनट है। तो मैंने सोचा वीडियो शुरू कर लेते हैं, तो मैं यहाँ से व्लॉग शुरू कर रही हूँ। मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं, मेरे भांजे की एक्चुअली में शादी है, जा तो वहाँ रहे हैं, और मेरी रिटायरमेंट भी है इसी महीने 30 तारीख की। तो मैंने सोचा साथ वो भी न्योता दे आऊँगी, दोनों काम इकट्ठे हो जाएंगे। तो हम जा रहे हैं, गाड़ी आ चुकी है, हम गाड़ी में बैठ गए हैं। तो रेलगाड़ी में ये देखिए, वैसे गाड़ी सुबह सुबह तो खाली होती है सारी, वो एक दो सवारी होती है, ज़्यादा खाली थी गाड़ी, ज़्यादा सवारियाँ नहीं थी। तो दोस्तों, हमें सीट वगैरह मिल गई थी अच्छी तरह से, और मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो यहाँ भी शूट कर लेती हूँ। तो दोस्तों, हम बैठ चुके हैं गाड़ी में और गाड़ी चल पड़ी है, और आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए सफ़र का। तो ये डिंग मंडी आ गया है, जो डिस्ट्रिक्ट हिसार से हैं उन्हें तो पता है दोस्तों, और जो बाहर से हैं उनको मैं बता रही हूँ भी ये डिंग मंडी स्टेशन है छोटा सा, वहाँ आ चुके हैं हम। और दोस्तों, वीडियो पूरा देखा कीजिए, मैं छोटे छोटे ही व्लॉग बनाती हूँ, ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं बनाती हूँ। और आप भी हमारे साथ पूरा सफ़र का फुल एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, ये बीच में से थोड़ा सा मैंने वीडियो बनाया था, और लगभग सारी ट्रेन खाली ही पड़ी है, एक दो सवारी बैठी है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे पूरा वीडियो देखेंगे तभी मेरे साथ एंजॉय कर पाएंगे। तो ज़्यादा तो नहीं कुछ बनाया मैंने, बस थोड़ा सा घर का वीडियो बनाया था मायके का, और थोड़ा सा ये सफ़र का बना लिया था। हम पहुंच चुके हैं सिरसा, और सिरसा में जाकर ये ट्रेन एक और खड़ी थी जो आदमपुर की तरफ जा रही थी, और हम सिरसा पहुंच चुके हैं। सिरसा जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं उनको तो पता ही है सिरसा कहाँ सी है, और मैंने जाना है कोटकपूरा। और कई सवारियाँ चढ़ रही है और कई उतर रही हैं दोस्तों, ये तो ज़िंदगी का एक सफ़र है, सराय हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। और इसी तनाबुन में हम पहुंच गए हैं बठिंडा, और बठिंडा तक ही मेरा सफ़र था यहाँ तक, और हम आगे बस में सफ़र तय करेंगे। तो ये हमने रिक्शा ले लिया है वहाँ बठिंडा से, और रिक्शे में जा रहे हैं हमने बस स्टैंड तक, और बस स्टैंड से वहाँ कोटकपूरे वाली बस पकड़ेंगे, क्योंकि गाड़ी बठिंडे तक ही जा रही थी। तो ये आगे हम सफ़र कर रहे हैं रिक्शा पे, और आगे पकड़ेंगे बस। तो दोस्तों, आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक तो कर दीजिए यार, मैंने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, ये बठिंडा का है, और मैं घर पहुंच चुकी थी, और घर में 10-11 बजे मैं घर पहुंच चुकी थी, और घर पे चल रहा था काम। देखिए भाभी कर रही है काम, और ये हमारे काम वाली आती है जो वो पोछे लगा रही है, और भाभी यहाँ पर खाने की तैयारी कर रही है। और ये हमारा घर तो बहुत बड़ा है, पर गांव में ऐसे ही होता है, आप लोगों को पता ही है गाँव का माहौल कैसा होता है। तो यहाँ पर हमारा घर तो बहुत बड़ा है, और एक्चुअली में मम्मी से कुछ होता नहीं है, और भाभी अकेली है फिर, तो इसीलिए हमने वो काम वाली रखी हुई है, और काम वाली पोछे वगैरह झाड़ू वगैरह लगा जाती है सुबह सुबह। और ये देखिए कितना बड़ा घर मकान है हमारा। तो दोस्तों, ये कपड़े दोस्त धोने के लिए निकाल रखे हैं, और मैं मम्मी के पास बैठी हूँ, और मम्मी फ़ोन में शायद देख रही है। और दोस्तों, ये मम्मी देख रही थी फ़ोन, अपने फ़ोन में पाठ वगैरह ये करते रहते हैं ना, तो कुछ भजन वगैरह सुनते रहते हैं, तो वो देख रहे थे फ़ोन। और दोस्तों, आप सोचोगे ये डब्बे इतने सारे कैसे पड़े हैं, तो मेरे भाई का काम है, दूध दही की दुकान है, और करियाने की मतलब, तो दूध दही का भी काम चलता है। तो ये दही के डब्बे हैं, 15 किलो दही होता है, और इस डब्बे में आता है बाबा मिल्क का है ये डब्बा, और इसमें से वो पैकेट भर भर के और 10-10 रुपये के मतलब सेल कर देते हैं। तो ये मम्मी, अभी मैं दिखाती हूँ, मम्मी दूध भी भर रही, मतलब पैकेट भर रही थी, और मम्मी अब पूजा पाठ कर रही है, तो वो सुन रही है। ये देखिए, मम्मी ने
दही के पैकेट भर दिए हैं और कुछ दही इसी के अंदर ही रख दिया है और फ्रिज में लगा देंगे ये। और ऐसा ही चलता है दुकान का काम तो। और ये बाहर सोए तो होते हैं ना, तो रात को ओस वगैरह पड़ जाती है, तो बिस्तरे बाहर ही पड़े हैं। घर हमारा बहुत बड़ा है ये देखिए, और ये मेरा बेटा है। और शाम को हमने कर ली थी शादी में जाने की तैयारी, और ये शाम का लुक है दोस्तों मेरा। तो बताइएगा कैसा लगा आपको। तो शायद मैं ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, शादी का ब्लॉग आपको आगे दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैं शादी का ब्लॉग भी दिखाने लगी तो ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और आप इतने लंबे ब्लॉग देखते नहीं हो दोस्तों, स्किप कर देते हो। तो मैं शादी का ब्लॉग आगे दिखाऊंगी। और ये है, हम शादी की तैयारी कर रहे थे जाने की, ये बेटा भी तैयार हो गया है और मम्मी भी तैयार हुए बैठे हैं, और बस गाड़ी वाला आने वाला है और हम अभी निकलेंगे थोड़ी देर में। तो दोस्तों बने रहिएगा, इस तरह ही अपना प्यार स्नेह देते रहिएगा। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, और तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।